चलिए एक बार फिर से आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। हमें मोदी जी ने दिया है ऐसे नए भारत की रचना करने का संकल्प करने का यह अधिवेशन। मित्रों, ये अधिवेशन 11 और 12 में चलेगा, विवेकानंद जयंती भी आएगी और हम सब विवेकानंद जी को याद कर चले संकल्प करना चाहते हैं कि जो भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने करी थी वो भारत को हम मोदी जी के नेतृत्व में बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, अनेक त्योहार आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सभी त्योहारों का अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये साल गांधी जी का 150वां साल है और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष भी इसी साल के अंदर आता है। गांधी जी और गुरु नानक देव साहब जी के रास्ते पर देश आगे बढ़े और 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाकर विजय उत्सव मनाने के लिए हम इस रामलीला मैदान में आए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद ये पहला अधिवेशन है कि जिस अधिवेशन में हमारे बीच में अटल जी नहीं रहे। अटल जी जनसंघ के समय से देश की राजनीति के ध्रुव तारे रहे। जनसंघ के समय से अटल जी ने हमारी पार्टी का नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी के वो स्थापक अध्यक्ष रहे और हर देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए अटल जी और अडवाणी की जोड़ी ने जो परिश्रम किया है वो शायद ही किसी पार्टी में नेताओं ने किया होगा। सही मायने में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पहचान देने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सब अटल जी जब नहीं है तो रिक्तता महसूस करते हैं, मगर हम सब ये भी जानते हैं कि अटल जी ने जिस प्रकार का संदेश हमें दिया है हमारा विचारधारा का कारवा रुकने वाला नहीं है। अटल जी सदैव अटल होकर हमारे साथ रहे हैं, ये हम सब की भावना है। मित्रों, आज अभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये स्थान पर विजय प्राप्त होता है। 2014 में हम सब यहां एकत्रित आए थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया था, 272 प्लस का संकल्प लेकर यहां से गए थे और जब चुनाव के नतीजे आए 272 प्लस कर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं एक और बात की याद दिलाना चाहता हूं। देश पर जब इमरजेंसी थोपी गई, आपातकाल समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार का मृत्यु घंट बजाने वाली पहली रैली अगर कहीं पर हुई थी तो वो यही मैदान पर हुई थी और लोकतंत्र के मजबूत बनाने का अभियान भी यहीं शुरू। आज उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हम सब इकट्ठा आए हैं। मित्रों, आज हम 2019 की तैयारी के लिए, 2019 के चुनाव के मैदान में जाने के लिए यहां एकत्रित हुए। ये 2019 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इतना ही महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है। भारत के 50 करोड़ गरीबों के लिए ये चुनाव बहुत मायने रखता है। एक अपना स्टार्टअप लेके निकले हुए युवा के लिए ये चुनाव मायने रखता है। एक बुढ़िया को अपनी कुटिया के अंदर गैस का सिलेंडर मिला है, धुआं नहीं खाना पड़ता है, इसके लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्ची 16-17 साल की
उसके घर में टॉयलेट लग गया, अब शर्म महसूस नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए चुनाव, करोड़ों भारतीय राह देखते थे कब कोई एक नेता आएगा और भारत को अपना गौरव दुनिया में दिलाने का प्रयास करेगा, सफल प्रयास करेगा। वो करोड़ों लोगों के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये चुनाव हम आगे लड़ने जा रहे हैं और विजय का संकल्प इसलिए रहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये विकास यात्रा, भारत की ये गौरव यात्रा हम चालू रख सकें। और मैं मानता हूं मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहां से संकल्पबद्ध होकर मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे, तब एनडीए की सरकार बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ निश्चित बनेगी और 2019 में हम निश्चित विजयी होंगे। मित्रों, 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी। एक और तो हम 1950 से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय का सिद्धांत लेकर जो चले, गरीब कल्याण का मंत्र लेकर चले, वो विचारधारा के आधार पर एक बड़ा तबका एकत्रित आया है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट एक मुस्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े हैं और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है, ये युद्ध है। और मित्रों, जब ये युद्ध के अंदर हम जाते हैं तब युद्ध का महत्व भी जानना चाहिए। युद्ध कई प्रकार के होते हैं। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो उसके जय पराजय तक सीमित रहते हैं, कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो एकाध दशक तक अपना असर छोड़ते हैं, मगर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपना असर छोड़ते हैं। मैं मानता हूं ये 2019 का युद्ध सदियों तक असर छोड़ने वाला युद्ध बनने वाला है, इसलिए जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, 70 साल से वंचित गरीब को कुछ नहीं मिला, उसको देने का एक सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ये युद्ध उनके लिए है। इतिहास में एक और उदाहरण है जो आज की स्थिति के साथ ठीक मेल खाता है। 1700 के समय के अंदर एक 130 साल ऐसे आए थे कि शिवाजी महाराज के नेतृत्व में आजादी की शुरुआत हुई थी, लड़ाई की शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ताराबाई, साहूजी महाराज, पेशवा करते 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 1960 तक ये देश का बड़ा भूभाग स्वतंत्र हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर ओडिशा तक एक बहुत बड़ा स्वतंत्र हिस्सा यहां पर बड़ा था। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और सदाशिव भाव के बीच में लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा सैन्य हार गया। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ एक युद्ध नहीं आ रहे, 131 युद्ध जीतने वाली मराठा सेना एक युद्ध हार गई, देश 200 साल तक गुलामी की खप्पर में धस गया। 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया। यह निर्णायक युद्ध था। इन निर्णायक युद्ध हारने के साथ देश की जनता को 200 साल और गुलामी में रहना पड़ा। मित्रों, आज ऐसी ही स्थिति है। 1950 से जो हमारी यात्रा शुरू हुई, 1950 से लेकर 2014 तक कई उतार चढ़ाव आए। एक समय तो ऐसा आया कि लोकसभा में हमारी 2 सीटें हुई, जनसंघ बना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्रों के अंदर पार्टी मजबूत हुई, जनसंघ से जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम में हमारी सरकार बनी, गुजरात में लंबे समय तक सरकार बनी, बीच में अटल जी की भी सरकार बनी और गई। हमारा काम 6-7 राज्यों तक सीमित रहा। इतने में 2014 आया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया और 30 साल के बाद
पहली बार इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, और ये 2014 से आज तक जो भारत और पार्टी के विकास की यात्रा बरोबर चली है, वो यात्रा फैलती 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 6 राज्यों से निकलकर कहीं दूर उत्तर पूर्व में पहुंची, बंगाल के अंदर हम सत्ता के अंदर आने के लिए आज पूर्ण तैयारी कर बैठे हैं, बिहार तक पहुंची, ओडिशा तक पहुंची, उत्तर प्रदेश जीत लिया, उत्तराखंड जीत लिया, आसाम जीत लिया, हिमाचल जीत लिया, देश के 16 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार लेकर हम जब 14 के मैदान में गए 6 राज्य थे और 19 के मैदान में जा रहे हैं 16 राज्यों की सरकारों की ताकत के साथ, इसकी सेवा की ताकत के साथ आज मैदान में हम जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विकास और विस्तार, देश का विकास, देश का गौरव, ये 5 साल के अंदर दीन दूनी रात चौगुनी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2,40,00,000 थी, आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर दुनिया में गौरव प्रस्थापित करे। 6 सरकारों से 16 सरकारों तक पहुंचे, देश के 80% शक्ति केंद्रों पर शक्ति केंद्र अध्यक्ष की हम काम कर पड़े। ओडिशा और बंगाल जैसे एरिया के अंदर भी हमने हमारे पार्टी के विकास को पहुंचा है। ये 2019 का चुनाव भारत के विकास और पार्टी के विस्तार के स्थायित्व का चुनाव है मित्रों, अब भारतीय जनता पार्टी ने वापस नहीं आना। मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं, पराक्रम की पराकाष्ठा करकर एक बार 19 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। दक्षिण सिर्फ छूट गया है, केरल तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम अपने जीवन काल के अंदर भी समाप्त है। कई लोगों ने पीढ़ियों तक काम किया, तब आज ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है मित्रों, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये 2019 का चुनाव है मित्रों। विजय हमारा निश्चित, देश की जनता मोदी जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी, और मैं मानता हूं आज न केवल भारत के अंदर, न केवल हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता किसी और दल के साथ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। मित्रों, कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही, भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास हो। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं, एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है, आज फिर से एक बार हराने का समय। एक पत्ता एक दो नहीं होता, राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। कई बार दो पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है, एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। यूपी में भी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था, हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए, उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और यही यूपी के लिए, वही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया बैठ जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की विजय
एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। मित्रों, जब हम कहते हैं कि विजय का हमें विश्वास है तो उसका आधार भी है। बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ है, क्यों हुआ है? एक दूसरे का मुंह न देखने वाले, एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिला मिलाकर उठा उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। बाकी सारे लोग जो देखे वो, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, ये हमारी शक्ति की, ये हमारी ताकत की स्वीकृति है, मोदी जी के ताकत की स्वीकृति। एक जमाना था कांग्रेस वर्सेस ऑल हुआ करता था और आज हमारे लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल हुआ है। भारत की राजनीति का ध्रुव, उसका न्यूक्लियस भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने परिश्रम के और अपने चरित्र के आधार पर बनकर बैठा है। मित्रों, जब मैं आपको कहता हूं, खुला अधिवेशन है, देशवासियों के सामने कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, एनडीए के साथियों के साथ सरकार बनाएंगे, तो उसका आधार है क्या मिला था 2014 में, क्या मिला था? ये अभी जो गठबंधन का नाम लेकर निकले हैं, एक ही परिवार ने, एक ही पार्टी ने 55 साल तक देश पर शासन किया। 55 साल कोई छोटा कालखंड नहीं होता है और इतनी दिक्कतें भी नहीं होती थी उस वक्त। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 55 साल तक